अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम अपने क्लास 10 की केमिस्ट्री की न्यू बुक का शुरुआत करने जा रहे हैं। और इसका हम आज पहले चैप्टर का हमारा पहला लेक्चर है। इसके पहले चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो जो मेरी पिछले लेक्चर से केमिस्ट्री के क्लास 10 के हवाले से, तो उनको अभी ना देखें क्योंकि बुक चेंज हो गई है। जैसे कि हाइड्रोजन का चैप्टर था वो भी नहीं है इसमें, जैसे हमारा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन वाला चैप्टर था वो भी नहीं है इसमें, हमारा कार्बन और सिलिकॉन वाला चैप्टर था वो भी इसमें नहीं है, सही है। तो उन वीडियोस को नहीं देखे, आज से इन वीडियोस को देखना शुरू करें, क्योंकि हमारी न्यू जो सिलेबस है वो इस बुक के हवाले से, हमारी न्यू बुक के हवाले से लेक्चर जो है वो ये है, सही है। तो इसमें हम शुरू करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। देखो भाई, केमिकल इक्विलिब्रियम नाम समझने से पहले आप ये समझ लो कि भाई आपने 9 क्लास में इतना तो अंदाजा हो गया कि हमारे पास होती है कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है हमारे पास कुछ, सही। उन केमिकल रिएक्शन में एक साइड पे रिएक्टेंट होते हैं, दूसरे साइड पे क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, सही। रिएक्टेंट कौन होता है, जो मिलके आपस में प्रोडक्ट को बनाते हैं। जैसे कि हम यहां लिख लेते हैं मिसाल के तौर पे, अल्लाह का बड़ा करे, मैं यहां लिख लेता हूं HCl प्लस NaOH, इससे हमारे पास बनता है NaCl प्लस H2O, सही है। तो इसमें हमारे पास रिएक्टेंट ये वाले और प्रोडक्ट ये वाले, ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, सिंपल और सादा, सही है। लेकिन इस चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शन के एक टाइप पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रिवर्सिबल रिएक्शन। आपने देखा होगा, हो सकता है 9 क्लास में आपने इन दोनों शक्लों को देखा हो कि भाई एक साइड पर रिएक्टेंट लिखा होता है और दूसरी साइड पर प्रोडक्ट लिखा होता है, और किसी किसी के बीच में इस तरीके से एक एरो होता है और किसी किसी के बीच में इस तरीके से दो एरो होते हैं, सही है। अच्छा, ये दो एरो और एक एरो का मतलब क्या है? ये एक एरो वाला कहलाता है इररिवर्सिबल रिएक्शन और दो एरो वाला कहलाता है रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब ये इसका कि भाई इररिवर्सिबल रिएक्शन में होता है कि सिर्फ रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है, और रिवर्सिबल रिएक्शन में होता क्या है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो रहा होता है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी वापस कन्वर्ट हो रहा होता है। इसकी मैं एक आपको आसान सी एग्जांपल देके अगर मैं समझाना चाहूं तो कुछ इस तरीके से होगी कि भाई मान लो ये मेरे पास पानी का एक केन है, सही है। मान लिया आप इसमें पानी का ये केन है, इसमें इस हद तक पानी भरा हुआ है मेरे पास, सही है। इस हद तक मेरे पास क्या हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है। मैंने ऊपर से एक नलका लगाया जिससे इसमें पानी आ रहा है, इस केन में इस नलके से पानी आ रहा है, मतलब ये केन भरेगा, सही है। तो इस केन के पानी का लेवल जो है वो बढ़ना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ मैंने क्या कर दिया, एक इस तरह से एक सुराख बना दिया जिसमें से पानी वापस निकल रहा है, सही है। अब जितना पानी इस केन में आ रहा है उतना पानी साथ में निकल भी रहा है। तो अगर आप देखो कि जितना पानी केन में आ रहा है और उतना ही पानी केन से निकल रहा है, तो मुझे बताओ क्या ये जो केन में पानी का जो लेवल है ये बढ़ेगा? आप बताओगे कि भाई ना ये बढ़ेगा ना ये कम होगा, क्यों? क्योंकि जितना पानी आ रहा है उतना ही ये निकल भी रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब यहाँ पे जो काम हो रहा है उसका उल्टा यहाँ पे हो रहा है, सही है। ये पानी भर रहा है और ये पानी निकाल रहा है, मतलब यहां से पानी आ रहा है और यहां से पानी निकल रहा है, यानी इसको मैं कह सकता हूं ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है और ये इसका बैकवर्ड डायरेक्शन है। बैकवर्ड यानी इसका बिल्कुल उलट हो रहा है मेरे पास, सही है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें साथ साथ एक चीज बन भी रही हो और वापस वही चीज उसमें कन्वर्ट हो रही है जिससे वो बन रहा है, सही है। तो ऐसे रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, सही है। अब जरा इसको डिटेल में समझने के लिए आप यहां देखोगे, इस इररिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो हमारे चैप्टर का टॉपिक नहीं है, लेकिन उसको समझना जरूरी है कि भाई वो रिएक्शन जो कि कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होने से मुराद ये है कि पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और रिएक्टेंट साइड पे कुछ नहीं बचता। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जब मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का पूरा पूरा आपस में रिएक्ट करके पूरा पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और कार्बन और ऑक्सीजन हमारे पास नहीं बचते इसमें, सही है। तो मतलब ये रिएक्शन क्या होता है, हमारे पास कंप्लीट होता है और ये एक ही डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन। यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन सिर्फ आगे की डायरेक्शन यानी पीछे की डायरेक्शन में नहीं आता,
तो इस रिएक्शन को हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, यानी रिवर्स डायरेक्शन में हमारे पास ये नहीं है। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन में होता क्या है कि रिएक्शन कभी कंप्लीट होता ही नहीं है, होता नहीं है। मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे आपके पास एग्जांपल है, यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास बनाते हैं अमोनिया, लेकिन साथ साथ अमोनिया वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में भी कन्वर्ट हो रहा होता है। सही है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके अमोनिया में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, लेकिन अमोनिया वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में भी कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो मतलब ये रिएक्शन कभी कंप्लीट हो सकता है? नहीं, कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो रहा है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो रहा है। तो मुझे असल में रिएक्शन में कराना क्या होता है, मुझे सारे के सारे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराना होता है। सही है, तो अगर मेरा सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो ही नहीं रहा और साथ में प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, तो मैं क्या कहूंगा कि भाई मेरा रिएक्शन तो कंप्लीट हो ही नहीं रहा। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लो, अगर कहीं हमारे साथ ऐसा हो जाए, मुझे चाय बनानी है, सही है, चाय बनानी है, मैंने चाय में पत्ती, पानी, दूध, चीनी सब डाल दिया, लेकिन और उसको मैंने चूल्हे पर रख दिया। अब हो क्या रहा है कि उससे चाय बन भी रही है और चाय से वापस मेरे पास दूध, चीनी, पानी ये सब भी बन रहा है। एग्जांपल के तौर पे ऐसा होता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा कि भाई मैं कहूंगा कि भाई मेरे पास चाय बन गई? नहीं बनी ना, क्योंकि चाय वापस अपने इंग्रेडिएंट्स में कन्वर्ट भी हो रहा है, चाय से वापस दूध, पानी, चीनी वगैरह भी बन रहा है। सही है, तो ऐसा होता नहीं है, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो मैं क्या सारा दिन उसके लिए खड़ा रहूंगा कि भाई कि एक वक्त आएगा कि मेरे पास ऐसी चाय बन जाएगी और वो वापस में कन्वर्ट नहीं होगी? तो ऐसा नहीं होगा। रिवर्सिबल रिएक्शन में होता क्या है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा होता है। इसमें दो डायरेक्शन होती है, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन और एक बैकवर्ड डायरेक्शन। सही है, तो जब ऐसा रिएक्शन हो उसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, और ये कभी कंप्लीट नहीं होता, नेवर कंप्लीट। सही है, और ये दोनों डायरेक्शन में होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी। सही है, इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। सही है, इस रिवर्सिबल रिएक्शन में होता क्या है, अब जरा आप इसको थोड़ा डिटेल में समझो। इस रिएक्शन में अभी आपको यह चैप्टर का जो नाम है यह भी समझ आ जाएगा। मान लो मेरे पास 100% रिएक्टेंट है, मैंने रिएक्शन स्टार्ट करवाया, तो रिएक्टेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और मेरे पास जो रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट की परसेंटेज कम हो रही है और प्रोडक्ट की परसेंटेज क्या हो रही है, बढ़ रही है। मेरे पास रिएक्टेंट की परसेंटेज कम हो रही है और प्रोडक्ट की परसेंटेज क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा कि सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मेरे पास रिएक्टेंट की परसेंटेज 0% हो जाएगी और प्रोडक्ट मेरे पास 100% हो जाएगा। तो ऐसा रिएक्शन हमारे पास कहलाता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। सही है, जिसमें सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन इसमें एक चीज ऐसी भी होती है कि भाई मान लो ये मेरे पास 100% रिएक्टेंट है, मेरे पास रिएक्टेंट मौजूद है, अब मैंने उसका रिएक्शन करवाया, तो ये मेरे पास कन्वर्ट होना शुरू हुआ प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हुआ। तो अभी तो फिलहाल ये कन्वर्ट हो रहा है, तो जैसे जैसे ये कन्वर्ट हो रहा होता है, प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में साथ साथ में कन्वर्ट हो रहा होता है। कैसे? अब जैसे मान लो 100% रिएक्टेंट है मेरे पास अल्लाह का भला करे 30% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, लेकिन साथ साथ उस 30% में से मेरे पास इस तरीके से प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो रहा होता है। तो मतलब ये है कि भाई साथ साथ रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है और प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो ये दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन चलता रहता है। सही है, फिर होता क्या है इसमें, पहले तो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू वाली स्पीड ज्यादा होती है, यानी ये जो एरो आपको नजर आ रहा है इसकी स्पीड ज्यादा होती है, ये वाले रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होती है, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तेजी से कन्वर्ट होता है, यानी ज्यादा प्रोडक्ट मिलता है शुरू में हमें, और प्रोडक्ट जो है वो हल्का थोड़ा सा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा होता है। लेकिन होता क्या है कि एक ऐसी कंडीशन आती है कि जिसमें हमारे पास जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना रहे। जैसे मान लो 50% रिएक्टेंट और 50% प्रोडक्ट हो गया,
इस पॉइंट पे हमारे पास होता क्या है कि इन दोनों की स्पीड सेम हो जाती है कि भाई रिएक्टेंट जितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो यानी मतलब आपको कोई चेंज नजर आएगी नहीं। जैसे मैं मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये मेरे पास एक ब्लॉक है, इसमें एक बंदा यहाँ से भी फोर्स लगा रहा है और एक बंदा यहाँ से भी फोर्स लगा रहा है, तो क्या मुझे बताओ कि ये ब्लॉक हिलेगा? नहीं हिलेगा ना। इसी तरीके से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो रहा होता है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो रहा होता है। तो वो स्टेज के जिसमें रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना और प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना उस वो सेम हो जाए, यानी कंसंट्रेशन दोनों की सेम हो जाए, यानी दोनों का स्पीड सेम हो जाए, वो स्टेज हमारे पास कहलाती है डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसी को हम केमिकल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। अब जरा मैं आपको एक दो बातें समझा देता हूं। जो हमारे पास रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना होता है ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाता है। जब हमारे पास रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो रहा हो, प्रोडक्ट में, तो ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाता है। और जब हमारे पास रिएक्टेंट यानी प्रोडक्ट जो है हमारे पास रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा हो यानी उल्टा सीन हो रहा हो, तो ये हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन कहलाता है। कौन सा रिएक्शन कहलाता है? बैकवर्ड रिएक्शन। अब रिएक्शन की एक स्पीड होती है जिसको हम नाम देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होती है भाई? रिएक्शन की स्पीड होती है कि भाई किस स्पीड से ये रिएक्शन कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। सही है, रिएक्शन की स्पीड को हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन की जो स्पीड होती है उसको हम कहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और जो बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड होती है उसको हम कहते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो जब दोनों स्पीड आपस में इक्वल हो जाए, दोनों स्पीड आपस में क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, तो उस स्पीड, उस सिचुएशन, उस स्टेट को हम नाम देते हैं इक्विलिब्रियम, यानी डायनामिक इक्विलिब्रियम। सही है। अब मैं आपको इसको थोड़ा ग्राफ के थ्रू समझाना चाहूं। ग्राफ के थ्रू आप थोड़ा इस तरीके से समझे कि भाई ये मेरे पास एक वाई एक्सिस है, ये मेरे पास एक एक्स एक्सिस है। y एक्सिस पे मैंने ले लिया कंसंट्रेशन किसका? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। कंसंट्रेशन हम जो लेते हैं, कंसंट्रेशन यानी मिकदार, जो हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसकी मिकदार। तो कंसंट्रेशन को हम लेते हैं हम मोल पर डीएम क्यूब में। जैसे हम मिकदार जो होती है हमारे पास क्वांटिटी, कभी कभी हम किलो में लेते हैं, जैसे सब्जी वगैरह खरीदते हैं हम तो किलो में नापते हैं, हम जब दूध वगैरह लेते हैं तो हम लीटर में नापते हैं। इस तरीके से जो हमारे पास केमिस्ट्री में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होती है, क्वांटिटी होती है, उसको हम कहते हैं, उसको हम मोल पर डीएम क्यूब में नापते हैं। सही है। ये मैंने वाई एक्सिस पे ले लिया कंसंट्रेशन, और ये मैंने ले लिया एक्स एक्सिस पे टाइम, और इस टाइम को मैं मिनट में गिन लूं। सही है। अब शुरू में होता क्या है, जब रिएक्शन हम स्टार्ट करवा रहे होते हैं तो हमारे पास रिएक्टेंट बहुत सारा होता है। सही है। अब और प्रोडक्ट जीरो होता है, ऐसा है कि नहीं है? जब शुरू में हम रिएक्शन स्टार्ट करवाते हैं तो रिएक्टेंट होता है हमारे पास लेकिन प्रोडक्ट नहीं होता। तो मान लो ये रिएक्शन रिएक्टेंट है, मेरे पास रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है और अभी टाइम के साथ साथ ये कम होता जा रहा है। ऐसा ही होता है ना कि भाई जितना कार्बन और ऑक्सीजन अगर मिल रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे, तो कार्बन और ऑक्सीजन कम होता जाएगा और मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जाएगा। सही है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट मेरे पास जीरो था, जीरो यहां पे होता है, प्रोडक्ट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा और रिएक्टेंट आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा टाइम के साथ साथ। इस तरह है कि नहीं है? तो ये मेरे पास प्रोडक्ट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और रिएक्टेंट मेरे पास क्या हो रहा है? कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है। अब मेरे पास एक ऐसा स्टेट आ जाता है जिसपे रिएक्टेंट कि कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि भाई अब मजीद रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा, हो रहा है लेकिन साथ साथ जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो जाती है। यानी वो जितना प्रोडक्ट बना है वो साथ साथ रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो रहा होता है। यानी आप यहां अगर देखो इस पॉइंट पे जहां पे ये दोनों आके एक ही लेवल पे हो गए, ये मेरे पास कांस्टेंट कंसंट्रेशन कहलाएगी। मतलब ये है इसका कि भाई रिएक्टेंट एक पॉइंट पे आके कांस्टेंट हो जाएगा। मान लो मेरे पास ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के 40% मेरे पास रिएक्टेंट बचा
और 60% मेरे पास प्रोडक्ट बना, सही है, 40% मेरे पास रिएक्टेंट था और 60% मेरे पास प्रोडक्ट बना। तो अब ये जो 40% रिएक्टेंट है ये 40% ही रहेगा और प्रोडक्ट जो है वो 60% है वो 60% ही रहेगा। होता क्या है कि भाई रिएक्टेंट आहिस्ता आहिस्ता कम होता है, 100% से ये कम होता जाएगा, फिर 90 पे आएगा, फिर 80 पे आएगा, फिर 70 पे आएगा, इसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, फिर 60 पे आ गया, फिर 40 पे आ गया, सही है। लेकिन जैसे जैसे रिएक्टेंट कम होता है वैसे वैसे प्रोडक्ट बढ़ता है, पहले प्रोडक्ट 0 था, फिर 10 पे आया, फिर 20 पे आया, फिर 30% पे आ गया, फिर 40% पे आ गया, फिर 50% पे आ गया, फिर 60% पे आ गया, सही है। अब मान लो मेरे पास इस पॉइंट पे ऐसा सीन हो गया कि भाई ना रिएक्टेंट 40% से बढ़ रहा है, ना प्रोडक्ट 60% से बढ़, मतलब ना रिएक्टेंट जो है 40% से कम हो रहा है, यानी पहले तो रिएक्टेंट क्या हो रहा था, कम हो रहा था, लेकिन 40% पे आगे रिएक्टेंट कम हो ही नहीं रहा और प्रोडक्ट जो है 60% से आगे बढ़ ही नहीं रहा। मतलब ये है कि यहाँ पे आगे इन लोगों ने क्या अचीव कर लिया, इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया, यानी यहाँ पे आके इनका कॉन्सेंट्रेशन दोनों का क्या हो गया, सेम हो गया। ये मेरे पास रिएक्टेंट है जो कि पहले क्या हो रहा था, टाइम के साथ साथ कम होता जा रहा था, और ये प्रोडक्ट था, ये मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट जो कि टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन इस पॉइंट पे आके दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो गया, मैं लिख देता हूं कांस्टेंट कंसंट्रेशन, कांस्टेंट कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, सही। इन लोगों ने यहां पे आके क्या अचीव कर लिया, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम अचीव करने का मतलब ये है कि भाई ना ही मेरे पास अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है मजीद, और ना ही मेरे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मजीद बढ़ रही है। तो मतलब जितना रिएक्टेंट था उतना ही रिएक्टेंट, जितना प्रोडक्ट था उतना ही प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, जिसमें होता है क्या है मेरे पास कि जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो रहा होता है, और यहाँ पे आके दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सिचुएशन को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, और ये रिएक्शन हमारे पास होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। सिंपल क्या है कि भाई रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना और प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना, ये हमारे पास है रिवर्सिबल रिएक्शन। और मैंने आपको बताया कि भाई शुरू में रिएक्टेंट का जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की स्पीड है उसको हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, वो शुरू में ज्यादा होती है। तो मतलब शुरू में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा होता है। ये देखो पहले शुरू में रिएक्टेंट ज्यादा कम हो रहा है और प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो ज्यादा है और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो कम है, सही है। और फिर एक ऐसा सिचुएशन आती है कि जहां पे दोनों की जो रेट है वो सेम हो जाती है, यानी दोनों का रेट इक्वल हो जाता है, मतलब जितना प्रोडक्ट बन रहा होता है उतना हमारे पास रिएक्टेंट भी बन रहा होता है, तो उस स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट या फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम, सही है। तो अब जरा इनकी डेफिनेशन को पढ़ ले जरा गौर से। इररिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, वो रिएक्शन जिसमें जो हमारे पास कंप्लीट हो जाता है, ये रिएक्शन कभी कंप्लीट होगा ही नहीं क्योंकि इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं, सही है। तो वो रिएक्शन जो के पास कंप्लीट होता है और एक फॉरवर्ड रिएक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में सिर्फ एग्जिस्ट करता है, इसको हम इररिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है कार्बन प्लस ऑक्सीजन हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, आयरन प्लस ऑक्सीजन हमारे पास Fe2O3 बनाता है, इसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहते हैं, यानी लोहे को जंग लगना, सही है। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है वो हमारे पास क्या होता है कि भाई जो कभी कंप्लीट नहीं होता और फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में एग्जिस्ट करता है, उसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। जैसे अमोनिया और हाइड्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर अमोनिया बनाते हैं, लेकिन अमोनिया से वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस भी मिल रही होती है, हाइड्रोजन और आयोडीन से मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, और हाइड्रोजन आयोडाइड वापस हाइड्रोजन और आयोडीन में भी कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम सुनो, प्रॉब्लम रिवर्सिबल रिएक्शन में होता ये है कि भाई हमें जितना प्रोडक्ट चाहिए होता है, हमें जितने प्रोडक्ट की डिजायर, यानी हमें जितना प्रोडक्ट चाहिए होता है वो हमें मिल नहीं पाता, क्योंकि बार बार जो है वो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा जा रहा है, सही है। हमें चाहिए प्रोडक्ट और वो प्रोडक्ट जो है वो क्या कर रहे हैं, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी हमें चाहिए अमोनिया और अमोनिया बार बार क्या हो रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस में वापस कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम करें क्या,
तो मतलब हमारे लिए रिवर्सिबल रिएक्शन फायदेमंद है ही नहीं। ऐसे सिचुएशन में हमारे पास एक प्रिंसिपल होता है, ली चेटलियर प्रिंसिपल कहते हैं हम उसको। उसमें उस बंदे ने बताया कि भाई आप इसमें कुछ कंडीशंस लगाओ, आप जब कंडीशंस लगाओगे उससे आपका होगा क्या कि भाई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट होगा और आप प्रोडक्ट हासिल कर लोगे, सही है। तो वो प्रिंसिपल आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने बताया, वो आप फर्स्ट ईयर में जाके देखोगे, सही है। अच्छा भाई, डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है कि जब हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन में होता क्या है कि भाई एक ऐसी स्टेट आती है जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो क्या हो जाती है, कॉन्स्टेंट हो जाती है। कॉन्स्टेंट होने से मतलब ये है कि भाई ना रिएक्टेंट अब कम हो रहा है और ना ही प्रोडक्ट अब बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई एक सीधी लाइन बनने का मतलब क्या है कि भाई रिएक्शन मेरे पास चल रहा है, यानी टाइम तो आगे बढ़ रहा है, टाइम इस तरफ बढ़ रहा है ना, तो टाइम तो आगे बढ़ रहा है लेकिन प्रोडक्ट ऊपर नहीं जा रहा। प्रोडक्ट के बढ़ने का मतलब क्या है, इस लाइन को ऊपर जाना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे नजर आ रहा है कि प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो लाइन ऊपर जा रही है, लेकिन यहाँ पे लाइन ऊपर नहीं जा रही, लाइन सिर्फ सीधी जा रही है, मतलब प्रोडक्ट बढ़ ही नहीं रहा। इस पॉइंट पे आके मेरे पास प्रोडक्ट बढ़ ही नहीं रहा और टाइम जो है वो निकले जा रहा है, यानी रिएक्शन हो रहा है लेकिन प्रोडक्ट बढ़ ही नहीं रहा। इस पॉइंट पे आके रिएक्टेंट मेरे पास और कम हो ही नहीं रहा लेकिन रिएक्शन तो हो रहा है, टाइम जा रहा है से, लेकिन रिएक्टेंट और कम हो ही नहीं रहा, यानी दोनों आपस में क्या हो गए, कॉन्स्टेंट हो गए। तो ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं, ऐसी स्टेट को हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, और ये स्टेट किसमें आती है, रिवर्सिबल रिएक्शन में आती है, सही है। अब जरा हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन चूंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो उसमें दो टॉपिक और है, एक होता है फॉरवर्ड रिएक्शन, एक होता है बैकवर्ड रिएक्शन, सही है। फॉरवर्ड रिएक्शन जो होते हैं वो इस एरो से शो किया जाता है और बैकवर्ड रिएक्शन वो इस एरो से, सही है। जब आपके पास दो एरो हो तो समझो ये रिवर्सिबल रिएक्शन, और जब आपके पास एक एरो हो तो ये इररिवर्सिबल रिएक्शन है, सही है। अच्छा भाई, फॉरवर्ड रिएक्शन में होता क्या है कि भाई इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या आप देख सकते हैं कि ये जो एरो है ये लेफ्ट से राइट की तरफ होता है। रिएक्टेंट जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन में होता क्या है कि भाई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है। इनिशियली रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की जो स्पीड होती है जिसको हम रेट का नाम देते हैं, रेट, RATE, रेट, सही है। जब रिएक्शन शुरू होता है, शुरुआत वाले स्टेप को हम कहते हैं इनिशियली, इनिशियली रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना ये बहुत ही ज्यादा स्पीड से हो रहा होता है, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी इनिशियली इसकी रेट क्या होती है, स्पीड क्या होती है, फास्ट होती है, ज्यादा होती है, यानी ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली, यानी आहिस्ता आहिस्ता ये स्पीड क्या होती है, स्लो होती रहती है। जैसे आप यहाँ देखोगे कि भाई यहाँ तक आके तो ये फास्ट था लेकिन यहाँ पे आके ये स्लो हो गया और एक टाइम पे ये कॉन्स्टेंट हो गया। इसी तरीके से बैकवर्ड रिएक्शन राइट से लेफ्ट की तरफ डायरेक्ट होती है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। इसमें होता है कि प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट बना रहा होता है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस रिएक्टेंट, इनिशियली इसकी स्पीड स्लो होती है। यानी मैं आपको कहूं कि भाई जब रिएक्शन शुरू हुआ तो मेरे पास 20% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है वो सिर्फ 1% है। तो किसकी स्पीड ज्यादा हुई, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की स्पीड, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। लेकिन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो होती है वो शुरुआत में स्लो होती है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ती रहती है। जब बढ़ जाती है तो एक टाइम पे ऐसा आ जाता है कि दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। यानी मैं यहां ये कह सकता हूं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाती है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, सही है। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, तो वो स्टेट हमारे पास कहलाती है डायनामिक इक्विलिब्रियम, और जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम, वो हमारे पास अचीव हो जाता है। अब इसके बाद हम जरा, ये हमने फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की करेक्टरिस्टिक देख ली, अब हम जरा डायनामिक इक्विलिब्रियम की करेक्टरिस्टिक देखेंगे, और फिर उसके बाद अगले लेक्चर में हमारे पास एक इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन, वो कवर करेंगे, उसके बाद हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। अच्छा भाई, अब जो हम देखने वाले वो है डायनामिक इक्विलिब्रियम की कुछ करेक्टरिस्टिक्स, सही है। जैसे डायनामिक इक्विलिब्रियम जो होता है वो हमारे पास सिर्फ एक क्लोज सिस्टम में एग्जिस्ट करता है। क्लोज सिस्टम का मतलब ये है
कि भाई अगर आपको इक्विलिब्रियम लाना है एक रिवर्सिबल रिएक्शन में, तो आपको अपना सिस्टम क्लोज बनाना पड़ेगा, यानी ऐसा करना पड़ेगा कि जिसमें ना ही किसी बाहर वाले चीज को अंदर आने के लिए रास्ता हो, ना ही अंदर वाले चीज को बाहर जाने के लिए रास्ता हो, सही है। तो एक क्लोज सिस्टम में हमारे पास इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। क्लोज सिस्टम मतलब जिसमें ना ही कोई चीज अंदर आ सके, ना ही कोई चीज बाहर जा सके, सही है। एट इक्विलिब्रियम स्टेट जो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये हमारे पास कांस्टेंट होती है, ये हमने अभी देखा, सही है। जब इतना जितना रिएक्टेंट होता है उतना ही प्रोडक्ट होता है, मतलब ये होता है कि भाई ना ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ रही होती है, ना ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही होती है, ना ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही होती है, दोनों आपस में कॉन्स्टेंट रहते हैं, सही है। और दोनों के आपस में एक दूसरे के कन्वर्ट होने की स्पीड एक जैसी हो जाती है, इक्वल हो जाती है, यानी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की जो स्पीड होती है यानी रेट होती है, हमारे पास लिखा हुआ एट इक्विलिब्रियम स्टेट द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस टेकिंग प्लेस एट इक्वल रेट पे होती है, और ऑपोजिट यानी फॉरवर्ड रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है तो बैकवर्ड रिएक्शन प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा होता है, यानी ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट है लेकिन स्पीड दोनों की सेम होती है इक्विलिब्रियम स्टेट पे। दूसरी बात ये कि इक्विलिब्रियम जो है वो दोनों साइड से अप्रोच हो सकते हैं, या तो रिएक्टेंट साइड से या तो प्रोडक्ट साइड से। होता ये है कि भाई कभी कभार तो ऐसा होता है कि भाई जैसे ही रिएक्शन शुरू हुआ थोड़े से रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट नहीं बनाया कि इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। मतलब क्या है कि भाई रिएक्टेंट रिएक्शन शुरू हुआ, अभी हमारे पास प्रोडक्ट 2% भी नहीं बना है और इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, सही है। कभी कभार हमारे पास आधा रिएक्शन होने के बाद इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। कभी कभी रिएक्शन पूरा ही होने वाला होता है, थोड़ा सा रिएक्शन बचा कंप्लीट होने में रहता है, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, सही है। तो इक्विलिब्रियम कहीं से भी अचीव हो सकता है, सही है। अच्छा, एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब, अभी मैंने आपको बताया इक्विलिब्रियम स्टेट को हम डिस्टर्ब भी कर सकते हैं, यानी अगर हम चाहें, अभी वो क्या रहे कि भाई जितना रिएक्टेंट है उतना प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे हमने एग्जाम्पल ली नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये हमारे पास बना क्या रहे होते अमोनिया, सही, अमोनिया बना रहे होते। तो जितना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया बनाते हैं उतना ही अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना रहे होते हैं, यानी एक इक्विलिब्रियम स्टेट आया होता है। इस इक्विलिब्रियम स्टेट को हम डिस्टर्ब कर सकते हैं, कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं, या तो कंसेंट्रेशन बढ़ा के या कम करके, प्रेशर को बढ़ा के या टेम्परेचर को बढ़ा के, सही। आप अगर अमोनिया वाले लेक्चर को देखें मेरे, तो उसमें आपको और आसानी से समझ आ जाएगा कि भाई किस तरह से हम अमोनिया ज्यादा हासिल करते हैं कंसेंट्रेशन को बढ़ा के। यहाँ पे हम कंसेंट्रेशन से मुराद ये है कि 3 मोल हम लेते हैं हाइड्रोजन के, 1 मोल हम लेते हैं नाइट्रोजन, टोटल 4 मोल हो गया, और यहाँ पे हमारे पास 2 मोल बनना होता है अमोनिया, तो कंसेंट्रेशन किसकी ज्यादा हो गई, रिएक्टेंट की ज्यादा हो गई, तो स्पीड किसका बढ़ेगा, रिएक्टेंट वाले रिएक्शन का स्पीड बढ़ेगा, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड बढ़ेगा। इसी तरीके से हम प्रेशर भी बढ़ा देते हैं, हम टेम्परेचर भी बढ़ा देते हैं ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, प्रोडक्ट मिले, सही है। तो ये हमारे पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम की कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह लॉ ऑफ मास एक्शन डिस्कस करेंगे, और हो सकता है उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी करें, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए इसकी तैयारी करें, इसके नोट्स बनाएं। अल्लाह हाफिज़।